जय माता दी। दोस्तों, श्री दुर्गा स्तुति का पांचवा अध्याय सुना रही हूँ। इसे पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के कष्ट मिटते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री दुर्गा स्तुति के अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवाय सर्वासाधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री दुर्गा स्तुति पांचवा अध्याय। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ। पांचवा में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भैंसे कापता था या सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त हुए देवता दीन। देव लोक को छोड़ कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने अस्तुत करी, खड़े हो गए हाथ जोड़ सभी। लगे कहने, हे मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू, तू ही गौरी धात्री तू, रुद्रा है तू, तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। है वे अंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बनके है छाई हुई, सुधा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, या ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बनके धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बनके या भक्ति बढ़ावे, तू ही क्रांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बनके भंडार भरती, तू ही वृति बनके कल्याण करती, तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू ही प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजाही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तू माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, भक्त का भी उदार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े भवानी, सभी कष्ट उसके हरे। भक्त हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। दोहा। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आए वहां रूप पार्वती का धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के आंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा, मुझको है ध्यान रहे, या सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा आंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री ने या दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरण करने लगी, और अंबे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरती पहाड़ों में अंबे जहां। अति रूप सुंदर ना देखा गया, निरख रूप मो दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही।
चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई, चलो आंखों से देख लो, भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसुद हैं। वह बलवान रजा है, किस काम का ना पाया जो साथी आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर बचन सुंभ का दिल बड़ा, महा असुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो, महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे, जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूं मैं, इस त्रिलोकी का पति रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विप्त अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी वन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिलना विषय सुख जो आराम का। जो पति पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दोहा। दूध की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहजोर धनवान है। सभी देवता उसपे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। या माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना या भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कांत अपना बनाऊंगी मैं। जो है सुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। दोहा। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, सुंभ निसुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ सुंभ निसुंभ को दो मेरा संदेश। भक्त कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माता दी।